सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर बेहतरीन ऑफर और पूरे अंडमान निकोबार द्वीपों में सबसे कम दाम। रॉयल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवरडीन बाजार। निवास अनाउंसेस मेगा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट साइलेंट वैली मेयर कामराज नगर कालीगंज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट हैप्पी निवास जी आर रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड जंगली घाट पोर्ट ब्लेयर। अंडमान में 4 मई को सिलिंग क्रिकेट लीग फाइनल का आयोजन किया गया। यह मैच मनारगढ़ ग्राम पंचायत और साउथ पॉइंट स्टार्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में साउथ पॉइंट स्टार्स ने ग्राम पंचायत मनारगढ़ के सामने जीत के लिए 134 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में मनारगढ़ की टीम पहले ही आउट हो गई और साउथ पॉइंट स्टार्स ने यह मुकाबला जीत लिया। सिलिंग क्रिकेट लीग अपने आप में एक अनूठा लीग है, जिसमें पहली बार नाइट मैचेस आयोजित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड वीआर प्रणाली का भी इस्तेमाल किया गया। दस्तक टीवी ने इस अवसर पर खिलाड़ियों और आयोजकों से बातचीत की। हम इस तरह का टूर्नामेंट अगर रात के टाइम में भी अगर लोगों को हम एंगेज रख सके, डे टाइम में तो कोई ना कोई अपने काम में बिजी रहता है, अगर रात के टाइम में भी फॉर सम रीजन जैसे ये गेम हो गया, बारिश सीजन आ रहा है, अगर हम फुटबॉल टूर्नामेंट नेक्स्ट कर सके तो इस चीज़ों से यूथ अट्रैक्टेड रहते हैं। यूथ इसमें काफ़ी अट्रैक्टेड है, स्पोर्ट्स से आइलैंड्स में ज़्यादा नहीं है। स्पेशली नाइट टाइम अगर देखा जाए तो लगभग कुछ भी नहीं है। नाइट टाइम इंडोर स्टेडियम जो है वो छोड़ के आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट डे एंड नाइट टूर्नामेंट जो हम लोग करा रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम प्लेयर्स काफ़ी यंग प्लेयर्स आए, ऑलमोस्ट 25 टीम्स हम लोग को मिला है। काफ़ी यंग प्लेयर्स, काफ़ी नए प्लेयर्स निकल के आए हैं और क्राउड काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ये बार काफ़ी अच्छा यहाँ पे अटेंडेंस क्राउड का भी था। लोग शाम को अगर कुछ नहीं है तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं ताकि मैच देख सके। नाइट क्रिकेट कौन नहीं पसंद करेगा, वेदर सपोर्टिव रहता है, वो दिन का गर्मी ये वो सब नहीं है और काफ़ी नई चीज़ें उनको देखने को मिलती है, जैसे डिजिटल स्कोरिंग है, जैसे मैंने कहा LED स्टंप्स, तो ये सब काफ़ी उनको अट्रैक्टेड रखता है। तो आई थिंक इस तरह के स्पोर्ट्स और होना चाहिए रात के टाइम पे कुछ ना कुछ। अभी जैसा इनिशिएटिव हमने लिया है इस नाइट क्रिकेट का, मैं चाहूँगा कि अगर कोई और एक इनिशिएटिव ले पाए फुटबॉल का भी, हम भी ज़रूर कोशिश करेंगे, साथ भी ज़रूर देंगे अगर कोई और करना चाहता है तो। ये जो है आज का फाइनल मैच है जो हो रहा है ग्राम पंचायत मनारघाट वर्सेस साउथ पॉइंट स्टार्स के बीच में। दोनों ही टीम काफ़ी अच्छे हैं, दोनों पूल्स में, दोनों अपने पूल्स में अनबीटन थे। इवन क्वार्टर्स एंड प्री क्वार्टर्स सेमीफाइनल में उन्होंने टफ टीम्स को हरा के फाइनल तक कहा है। जैसा आप जानते हो ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, नाइट क्रिकेट होता है यूजली बट ये थोड़ा अलग है। इसमें हमारे पास LED स्कोर बोर्ड है, LED स्टम्प्स है एंड नथिंग इज़ मैनुअल इन दिस, सब कुछ ऑटोमेटिक है। इवन आपका स्कोरिंग भी मैनुअल स्कोरिंग नहीं है, ऑटोमेटिक स्कोरिंग। सीलिंग क्रिकेट लीग अभी चल रहा है जो हमारे यंगस्टर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बेटर फॉर्मेट जो यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, जैसा क्रिकेट लीग होते हैं यहाँ पर, उससे थोड़ा हट के नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया। आइलैंड की स्पोर्ट्समैनशिप के लिए ज़रूरी है क्योंकि कैसे हम लोग यहाँ के स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को इंक्रीज़ करेंगे। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर्स को जो कि फाल्कन टायर्स अलायंस और हमारा ATS जो सीलिंग कंपनी एंड अंडमान कैसल मैं खुद, और जो कि इस इनिशिएटिव को फुलफ़िल करने में और मदद किया है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि 25 टीम्स ने पार्ट लिया है जिसमें से आज फाइनल हो रहा है जो कि साउथ पॉइंट स्टार्स जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स मानी जाती है यहाँ के पोर्ट ब्लेयर में, और मनारघाट जो कि जो टीम उभर के आई है, बहुत ही यंग टैलेंट्स है, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे खेला है उन्होंने, अभी तक का एक भी मैच हारा नहीं है लीग का और आज फाइनल खेल रहे हैं। सेकेंड बैटिंग मनारघाट करेगी, टारगेट मिला है साउथ पॉइंट स्टार्स की तरफ से उन्हें 139 टारगेट को चेस करेंगे मनारघाट स्टार्स। आइलैंडर्स सोशल मूवमेंट एंड ट्रेनिंग द्वारा अंडमान लॉ कॉलेज के सभागार में शनिवार को द्वीपों की असंग हीरोज को सम्मानित करने के लक्ष्य के साथ वुमेन ऑफ सबस्टेंस शीर्षक से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सौंदरा पांडियन सम्मानीय अतिथि थे, जबकि नौसेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्ष
स्मिता शिरोदकर विशेष अतिथि थी। समारोह में मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हेलेन सैमुअल, युवा शक्ति की सदस्य कमला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वृंदावती, रेणुका पॉल तथा कड़ांगा चांग की महिला मंडल की कोषाध्यक्ष को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्रों के साथ सम्मानित किया गया। I am immensely pleased to be associated with this women's initiative for honoring, felicitating wonderful women. You may be knowing we all keep getting transferred from one place to another, and it many a times happens that ladies have to sacrifice their own careers to be able to join their husbands in different stations. So we have five or six or many focus areas amongst the Wives Welfare Association. To name a few: health, education, women empowerment, environment, etc. Ismat Islander Social Movement for Awareness and Training started its work in the islands since 2004. And this organization, I consider it to be different than the other organizations I've been working with, in a way that they are not only working towards creating awareness among women and children, but rather inculcating the moral side of human being, bringing back the social bonding which Andaman is famous for. I would have liked to suggest one of my staff. I work in Little Andaman for 14 years, and for the past 4 years I have been working in Campbell Bay. And in Campbell Bay there is a place called Chingan Basti. Our objective was to understand the distribution and occupation of female population in different age groups, to find out the autonomy and extent of decision making enjoyed by women. गर्मी के मद्देनजर पशु पक्षी संरक्षण संस्थान के संस्थापक जीबी माथुर ने प्रशासन से मांग की है कि जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम प्रशासन द्वारा किया जाए। पशु पक्षी संरक्षण संस्थान का कहना है कि गर्मी में पशु को पानी ना मिलने से बहुत परेशानी होती है। अगर प्रशासन द्वारा पशु पक्षी संरक्षण संस्थान को पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए तो यह बेहद ही लाभकारी होगा। देखिए, जो पशु पक्षी संरक्षण जो हमारी संस्था है, इसके हम फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं, और SPCA तो हमारा 2015 में बना है और पशु पक्षी हमारा 2012 में बना है, और ये बनने के पहले से ही हम कार्य करते आ रहे हैं। ये कार्य हमने 20 साल की उम्र से चालू किया था जब हम आसाम में थे, और आसाम में भी करते थे और यहाँ भी हमने जब 94 से कंटिन्यू हमको 25 साल हो गए तो हम ये कार्य करते हैं। जो भी पक्षी अगर घायल है हम उसको ट्रीटमेंट कराते हैं एनिमल हस्बेंड्री में जा करके, वहाँ डिस्पेंसरी में गोलघर के अंदर। दूसरा कोई बड़ा जानवर है, किसी ने उसको टक्कर मार दिया, वो एक्सीडेंट हो गया है, घायल है या उसका घाव है, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री गोलघर में जाके और ट्रक में लोड करा करके, हमको प्रॉब्लम समस्या तो बहुत बड़ी होती है, उसके बावजूद भी हम वहाँ उसको अनलोड करा के उसका ट्रीटमेंट कराना, उसका दाना पानी का इंतजाम करना। चाहते हैं कि पशु पक्षी का सबसे पहले तो पानी का व्यवस्था नहीं है, चारों साइड समुद्र है, खारा पानी है, तो ये पक्षी है जो नल के सूखे मुंह लगा के रह जाते हैं, टंकियों पे जहाँ झुकियाँ पड़ी है, तो इनका इनका पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सबको कैटलॉग भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, और ये कैटलॉग दिए हमको 12 साल 15 साल से हम इसमें लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई इसका एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम नहीं किया है। हमको खाली जगह चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन खाली जगह भी दे दे कि साहब यहाँ आप पानी का व्यवस्था कर सकते हैं, यहाँ आप पानी लगा सकते हैं, तो हम खुद अपने लगाने को तैयार हैं।
दक्षिण अंडमान के हेडो इलाके के कम्युनिटी हॉल से निकलने वाले कचड़े तथा गंदे पानी का ठीक से निपटारा न होने के कारण वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कचड़े की वजह से पानी बहने वाली नाली जाम हो गई है तथा कचड़ा और पानी उसमें सड़ने लगा है और कीड़े मकोड़े उस गंदे पानी में पनपने लगे हैं, जिससे बीमारियां फैलते जा रही है। नाली जाम होने के कारण अब लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया है और लोग अपने बच्चों और परिजनों के साथ घर पर या किसी के मंदिर में सो रहे हैं। हेडो के लोग इस समस्या से तकरीबन 2 महीनों से परेशान हैं और कई बार इन सब लोगों ने मिलकर अपने वार्ड के काउंसलरों से भी शिकायत की है, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। लोगों को यही संतावना मिलता रहा है कि बरसात से पहले यह कार्य कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और आलम यह है कि बरसात ने दस्तक भी दे दी है। लोगों की इस परेशानी पर दस्तक टीवी ने उनसे बातचीत कर उनके समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। अभी 1 महीना हो गया उसके घर में पानी, 3 रूम 12 है, उन लोग 5 बच्चे, 1 लेडी है और 4 बच्चा है। उन लोग सोने को भी मुश्किल है, खाने को भी मुश्किल है। हम लोग सब थोड़ा थोड़ा गुड़ खाना देने से उस लोग खाता है, कीड़ा 12 है, पूरा बांस मारता है, उस लोग कहाँ सोएगा। हम लोग घर घर में एक एक बच्चा को ले जाके सुलाता है। कितना तकलीफ होता है, आप लोग कितना बार बोलता है, कोई सुनाई नहीं देता। आज करेगा कल करेगा, कल गड्ढा खोदेगा परसों गड्ढा खोदेगा, ऐसी बोलते रहते हैं। कौन बोलते है? काउंसलर आके बताता हूँ उन लोगों। भैया बोला ने फोन करके बोला ने साहब आएगा, बोलता आता नहीं है, कचरा ऐसी पड़े है, हम लोग घर का पानी ऐसी बोल लेता, करेगा मैं करेगा बोलता, 2 महीना बोलते है। हम लोग तो रोड में ऊपर हम लोग सोते है, खाना नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता, पागल वाला खाना ला कर देते है। हम लोग बच्चे लोग से क्या करना, नाली का कचरा निकालेगा ऐसी छोड़ देगा, और कचरा वाला आएगा मुश्किल वाला का के निकालेगा बोलेगा, वो कचरा ऐसी छोड़ देगा, वो भी नहीं निकालते कचरा। प्रॉब्लम क्या, पूरा कचरा भर गया और ऊपर से 10 दिन हो गया, आते भी झाड़ू बाड़ी आते नहीं, और ऊपर से सारा पहाड़ी घर के अंदर भी गया। अंडमान निकोबार प्रशासन ने खेल विभाग द्वारा गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए 9 से 12 साल के बच्चों के लिए तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, योगा और कराटे आदि खेलने के लिए खेल शिविर का आयोजन किया है। इस खेल शिविर में भारी रुचि दिखाते हुए एक साथ 400 से ज्यादा बच्चों ने अपना नाम लिखवाया है। अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल विभाग इस खेल शिविर के माध्यम से बच्चों के बीच खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे खिलाड़ियों की भी पहचान कराना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे 1 महीना का हॉबी क्लासेस चलता है। अभी जो भी बच्चा आते हैं सब लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग को अच्छा से जो भी नए नए चीज़ सीखने को मिलता है जिससे हम लोग फिट रहते हैं। तो हम होप करते हैं कि इस तरह हर साल हो और हम लोग को इस तरह अच्छे अच्छे कोचेस हर साल मिले। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स की ओर से एक वर्ष की बात है, इस साल भी जो है समर हॉबी क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें खास तौर पे 9 से लेकर 12 वर्ष के लड़के व लड़कियों के लिए जो है हम क्लासेस आयोजित करते हैं। इस साल जो डिसिप्लिनस हैं उनमें प्रमुख हैं स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, योगा और कराटे। ऑल टुगेदर 400 से ज़्यादा बच्चों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और इन तमाम डिसिप्लिनस में क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो है डिफरेंट डिसिप्लिनस के कोचेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, नंबर एक बार स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इंगेज किया हुआ है। प्रयास यही है कि डिपार्टमेंट के विभिन्न प्रोग्राम्स के साथ साथ इन समर हॉबी क्लासेस में ना ही बच्चों को हम स्पोर्ट्स के प्रति प्रमोट करें, बल्कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो यंग टैलेंट्स हैं, उनको भी साथ साथ आइडेंटिफाई करें। होटलेयर के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी जो है हॉबी क्लासेस का वो हम स्टार्ट कर सकें रनिंग बेसिस में। इसी के तहत इस साल मेमरलिंग जोन में जो है वहाँ इंडोर मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, वहाँ भी जो है हॉबी क्लासेस का आयोजन कर रहे हैं। इस साल समर हॉबी क्लासेस हम 1 महीने के लिए आयोजित कर रहे हैं। दस्तक टीवी के लिए अंडमान से संजीव कुमार राय की रिपोर्ट।
सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर बेहतरीन ऑफर और पूरे अंडमान निकोबार द्वीपों में सबसे कम दाम। रॉयल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवरडीन बाजार। Happynivas announces mega residential project Silent Valley near Kamrajnagar, Kalikandi. For more information, contact Happynivas, Kia Real Estate Private Limited, Jangvi Ghat, Port Blair.